विंध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल संजय गांधी दलाली का अड्डा बना हुआ है। मरीज के परिजनों को बंधक बनाकर मारा जा रहा है। सांसद के लिए जो यहां से 80 किलोमीटर दूर जाके टॉयलेट साफ कर रहा है अपने हाथ से, और संजय गांधी अस्पताल में किसी एक गरीब पेशेंट को ब्लड नहीं दिलवा पा रहे हैं। नमस्कार, विराट 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। धरती के भगवान का तमगा लगाने वाले किस तरह से हमारे खून का सौदा कर रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रशासन के द्वारा जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिले और उनकी जिंदगी बचाई जाए, इसके लिए कैंप लगाकर रक्तदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन फ्री में किसे रक्त मिलता है, कब दिया जाता है, इसकी जानकारी कभी भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं दी जाती है। अक्सर समाज सेवियों और प्रशासन के द्वारा रक्त एकत्र कर जान बचाने की बात तो कही जाती है, लेकिन किसकी जान बचाई जाती है, इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं दी जाती। वहीं विगत समय पर संजय गांधी अस्पताल में सतना ब्लड बैंक के द्वारा रक्तदान खोला गया था, जिस पर आरोप लग रहे थे कि खराब रक्त उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी दुकान अस्पताल से बंद करा दी गई। लेकिन इन दिनों रीवा का चर्चित विंध्या हॉस्पिटल का सहयोगी संस्थान विंध्या ब्लड बैंक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उससे लगता है कि विंध्या हॉस्पिटल का यह विंध्या ब्लड बैंक खून का कारोबार कर रहा है, जहां से ब्लड खरीदने वालों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वहीं जो रक्त दिया जाता है उसे संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा चढ़ाने से इनकार कर दिया जाता है। वहीं किसी तरह से पूंजी एकत्र कर ब्लड खरीदने वालों का रक्त वापस भी नहीं होता, जिसके चलते उनके परिजनों की जहां जाने चली जाती है वहीं पूंजी भी डूबती है। कुल मिलाकर रीवा जिले में रक्त का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर और कमिश्नर को चाहिए कि संजय गांधी अस्पताल और विंध्या अस्पताल के बीच चल रही दलालों की सांठ गांठ और रक्त के सौदागरों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें, क्योंकि जो रक्तदाता अपने शरीर से खून का कतरा निकाल कर दान करते हैं, वह इस आशा से रक्तदान करते हैं कि उनका रक्त किसी की जिंदगी बचाएगा। लेकिन इसी वक्त से मोटी कमाई कर रहे खून के दलाल अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। हालांकि संजय गांधी अस्पताल में आए दिन हो रहे विवादों को लेकर पत्रकार वार्ता करते हुए एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष ने भी विंध्या अस्पताल के विंध्या ब्लड बैंक पर आरोप लगाया है। वहीं संजय गांधी अस्पताल में उपचार कराने पहुंचे सिंगरौली जिले के पेशेंट के परिजनों ने बताया कि उसके द्वारा विंध्या ब्लड बैंक से रक्त खरीदा गया था, लेकिन रक्त सही ना होने के चलते अस्पताल में नहीं चढ़ाया गया, जिसके चलते उसके परिजन की मौत हो गई। मौत के बाद जब ब्लड वापस करना चाहा तो ब्लड तो वापस कर लिया, लेकिन पैसे वापस नहीं दिए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जनसेवा और लोगों को उपचार के नाम पर भगवान का दर्जा प्राप्त करने वाले ये डॉक्टर इन दिनों किस तरह से खून का कारोबार कर रहे हैं। अगर समय रहते इस अस्पताल और ब्लड बैंक पर नकेल नहीं कसी गई तो वह दिन दूर नहीं जब खुलेआम यह खून से लेकर लाशों का सौदागर बन जाएगा। आइए सुनाते हैं पीड़ितों ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। नारायण देव विश्वकर्मा, बबलू विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले? सिंगरौली। क्या घटना हुई आपके? ये हमारे साथ ये घटना हुई, हमारा दोस्त अच्छा लाल रावत, वो एक्सीडेंट हुए थे सिंगरौली में। सिंगरौली से हमने यहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट कराए, वहाँ फिर रात भर रखे, वहाँ से रिफर कर दिए, फिर यहाँ पे आए। तो फिर 2 बजे हमने यहाँ पे एडमिट कराए, तो 2 बजे के बाद सुबह 9-10 बजे के आसपास में डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर बोले कि नहीं, खून व्यवस्था करो। हाँ, संजय गांधी में एडमिट करवाए। हाँ, तो वहाँ पे हमने फिर खून, वो बोल रहे थे कि नहीं, मतलब ऑपरेशन होना उनका उचित है, तो ऑपरेशन के लिए हमने खून, और डॉक्टर ने बोला कि 2 यूनिट लगेगा। तो फिर हमने फिर वहाँ से नीचे आए, तो नीचे आने के बाद एक सोनू खान नाम का आया। हाँ,
तो वो बोल रहा था कि नहीं हम चलिए हम खून की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमने बोला बी पॉजिटिव खून है, तो वो बोल रहा था कि नहीं ठीक है। फिर वो हमको वहाँ से लेकर आया यहाँ विंध्या हॉस्पिटल में, तो विंध्या हॉस्पिटल में लेकर आया, तो विंध्या हॉस्पिटल ब्लड बैंक, हाँ तो वो विंध्या ब्लड बैंक वाले से बात हुआ, तो वो बोल रहा था कि नहीं हम उनसे पूछे भी नहीं, वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि विंध्या वाला से मत लेके आना ब्लड, तो वो बोल रहा था कि नहीं हमारा डॉक्टर से कांटेक्ट है, हाँ तो आइए हम संजय गांधी में आपका वो ब्लड चढ़वा देंगे। तो हमने बोले कि भाई ठीक है, और वो हमसे 12,000 रुपये लिए थे 2 यूनिट का। तो फिर शाम को हम वहाँ से आए, फिर वो बोला तुम जाओ लेके आओ, और हमारे एक सुमित सर हैं उनसे कांटेक्ट करके आपका काम करवा देंगे। तो हम बोले ठीक है भाई, और पेशेंट हमारा बहुत गीला था, तो वहाँ से फिर आए यहाँ पे, फिर ब्लड लेके गए, तो फिर वहाँ फिर ले गए, तो डॉक्टर ने बोला कि हम वहाँ का ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। आपने ब्लड का पैसा किसको दिया था? सोनू खान को। कहाँ पर दिया था? यहीं पे ऊपर ऊपर। तो आप यहाँ पैसा लेने आए हैं जी? ऊपर ब्लड बैंक गए थे जी? क्या बोल रहे हैं आगे? वो बोल रहे हैं कि आप सोनू खान को बुला के लाइए, तो फिर आपका पैसा रिटर्न होगा। कुल मिला के आप ब्लड भी ले गए, ब्लड वापस भी हो गए जी, आपकी जो वो है डेथ भी हो गई जी, आपका काम नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई चाह रहे हैं, और हम लोग 12,000 दिए थे, और हम लोग घर जाने के लिए पैसे भी नहीं। जिसको आपने पैसा दिया था उनको आप जानते हैं? चेहरा से पहचानते हैं। कहाँ मुलाकात हुई थी इनकी? और वही जी। विंध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल संजय गांधी, आए दिन मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट होती है, कहीं खून के कारण खून की वजह से होती है कि खून उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो कहीं जांच को लेके होती है। सबसे अभी करीब 15 दिवस पहले 2 वीडियो वायरल हुए हैं संजय गांधी अस्पताल के, जिसपे मरीज के परिजनों को बंधक बनाकर मारा जा रहा है, और यह घटना सीएमओ ऑफिस के अंदर हुई है, बंधक बनाकर सीएमओ डॉक्टर आलक प्रकाश के सामने हुई है। उनके इशारों पर कुछ वर्दीधारी सिक्योरिटी गार्ड और कुछ बिना वर्दी के उनके पाले हुए गुंडे बंधक बनाकर मरीज के परिजनों से तालिबानी तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिए हैं। आखिर यह संजय गांधी में चल क्या रहा है? और सिर्फ खून को लेके आए दिनों सामाजिक संगठन एनजीओ के माध्यम से, अभी कुछ दिवस पहले कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में जहां कलेक्टर साहब ने एसपी साहब ने भी ब्लड डोनेट किया था, इतना खून उपलब्ध होता है, उसके बाद भी आखिर खून क्यों नहीं मिल पाता है परिजनों को? उनको विंध्या हॉस्पिटल लेने जाना पड़ता है, और दलाली का अड्डा बना हुआ है ब्लड बैंक के बाहर। आप अभी भी जाके देखेंगे तो वहाँ 10,000, 5,000, 12,000 में खून के दलाल बैठे रहते हैं कि खून आप हमसे खरीदिए, हम आपको विंध्या से दिलवाएंगे और यहाँ हम आपको चढ़वाएंगे। अब जो मरीज बाहर से आए हुए हैं या रीवा जिले के गरीब हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो बेचारे किसी तरह कर्ज लेके सोना गिरवी रख के पैसे का जुगाड़ करते हैं कि हमारे परिजन की जान बच जाए, उसको खून उपलब्ध हो जाए। वो खून खरीद कर लाते हैं, उसके बाद भी वो खून नहीं चढ़ाया जाता है, कहते हैं कि हम बाहर का खून नहीं चढ़ाएंगे। आखिर विंध्या हॉस्पिटल को ब्लड देने की वो कहां से प्राप्त हुई है? संजय गांधी अस्पताल नहीं दी होगी तब तो ब्लड डोनेट करके दे रहे हैं अस्पताल में चढ़ाने के लिए। अभी अच्छे लाल रावत, पिताजी का नाम शंकर लाल रावत है, उम्र 32 साल, सिंगरौली के रहने वाले हैं, सिंगरौली गोरबी के रहने वाले हैं। उन्होंने 12,000 रुपए में विंध्या हॉस्पिटल से ब्लड खरीद कर लाए, और उनके पेशेंट की मृत्यु भी हो गई है, और खून यहाँ नहीं चढ़ाया गया, और उनका पैसा भी अभी तक उनके पास नहीं पहुँचा है। आखिर ये कब, इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये बड़ी शर्म की बात है एक सांसद के लिए कि जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाके टॉयलेट साफ कर रहा है अपने हाथ से, और संजय गांधी अस्पताल में किसी एक गरीब पेशेंट को ब्लड नहीं दिलवा पा रहे हैं, वहाँ दलाली का अड्डा बना हुआ है, लोग जाके खून विंध्या हॉस्पिटल से खरीद के ला रहे हैं, उसके बाद भी वह नहीं खरीदा जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो अभी विगत 2-4 दिनों में घटना हुई, जिस पेशेंट को ब्लड के लिए, उसकी भी मृत्यु हो गई है,
अगर ब्लड चढ़ गया होता तो मृत्यु ना होती, उसकी भी मृत्यु हो गई है। आखिर कब तक बीजेपी के नेता, 8 विधायक और 1 सांसद ऐसे मुख बधिर बनकर बैठे रहेंगे? कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? देखा आपने किस तरह से रक्तदाता एक एक खून का कतरा दान कर मानव जीवन बचाना चाहते हैं, लेकिन धन के लालची उसी रक्त का सौदा कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।